हाय गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ। इतना सारा ड्राइविंग करना पड़ा मुझे। और ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इन दिनों रह रही हूँ और इस घर में कलर का काम चल रहा है, तो आवाज़ बहुत गूंज रही है और मुझे अच्छा लगता है। द बेस्ट पार्ट इज एक तरह का मेरा बहुत अच्छा रियाज हो जाता है। ओह नाइस। एक डबिंग से जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डबिंग थी, एक दूसरी इंटरेस्टिंग डबिंग जो मेरे घर पे आने के लिए रेडी थी। डबिंग करते हैं हमारे जो साउंड इंजीनियर हैं, वो आके बैठे हैं। उनके लिए मैं ग्रीन टी तैयार कर रही हूँ। मैं मुझे भी पीनी है, मैं बहुत थक के आई हूँ। मैं आपको हाँ डेफिनेटली क्लिपिंग्स दिखाऊंगी मेरे शो के, जिस तरह से हम डब कर रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारा स्टोरीज में डाल चुके थे जब हम शूट कर रहे थे, तो बहुत सारी स्टोरी लगाते थे हम सारे एक्टर्स। एंड जो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन अब लेट्स सी। हाय मोहब्बत, हम ना बेडरूम में डब करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बाहर के कमरे में डब करना था, बट क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है तो बहुत हॉलो सा एक साउंड गूंज रहा है और हम डब नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है मैं जब माइक में बोलूँगी तो ये गूंजने वाली आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाएगी एंड वो शो में फिर दिखेगी, तो आप लोगों को एपिसोड अच्छे नहीं लगेंगे। एंड इसलिए मैंने इस कमरे का यहाँ पे एसी ऑन कर दिया, ताकि ये यहाँ तक वहाँ अंदर तक जाके ठंडा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे मैं एसी भी नहीं ऑन कर सकती। एसी ऑन करूँगी तो आवाज़ आएगी। एंड या नाउ बैक टू डबिंग। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने जो ग्रीन टी तैयार की है, मतलब जो तैयार करने के लिए रखी थी, वो हो चुकी है। ओके, काफ़ी सारा पानी बॉयल हो चुका है एंड आई विल जस्ट क्विकली गेट डन विद दिस। अभी तक तो उसका नाम पल पल दिल के पास है। उसके बारे में बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए, बहुत कुछ मतलब इन माई कैपेसिटी, लेकिन उसका जो है ना, अभी लोग जब मुझे पूछते हैं कि वो शो कब आ रहा है कब आ रहा है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि वो शो कब आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता। मे बी नेक्स्ट अर्ली नेक्स्ट ईयर या एंड ऑफ दिस ईयर, आई डोंट नो, वो मेकर्स ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, उसकी एडिटिंग चल रही है। अभी कुछ 35-40 एपिसोड्स उसके एडिट हो चुके हैं। अच्छा कृष्णा भैया, आपका इंटरव्यू करते हैं, आप कितने सालों से मेरे साथ डब कर रहे हैं? जैसे कि मैम को आप लोग जानते होंगे गुस्ताख दिल से ही, और उसके बाद मैम ने कृष्णदास ही किए हैं और भी बहुत सारे शोज किए हैं। अभी मैम के साथ मैं पल पल दिल के पास और सात्विक एक्टिंग, और जो वो एक्टिंग की जो मतलब जो डेप्थ है, जैसा उनको आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा, आज तक वो कंटिन्यू है और बरकरार है, और वो सब आप लोगों का प्यार ही है। अब मैम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और मैम को वहां तक पहुंचाएं जहां तक मैम जाना चाहती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इतना अच्छा बोलेंगे। मैंने अभी तक नहीं बोला है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पे जनरली हम लोग रहते नहीं है, मेरी मम्मी, मैं, वी स्टे इन अनदर हाउस जो यहाँ से थोड़ा दूर है, और ये कह सकते हैं कि नॉट अ स्पेयर फ्लैट, लेकिन हाँ, मतलब इसकी स्टोरी किसी और दिन बताऊंगी मैं आपको। लेकिन यहाँ पे कृष्णा भैया के लिए भी बहुत इजी रहता है यहाँ पे आके डब करना, बिकॉज ये आसपास ही घूमते रहते हैं। यहाँ बहुत सारे सेट लगे हैं टीवी सीरियल्स के। इसके आगे थोड़ा जाएंगे तो एक नायगांव एरिया भी है जहाँ पे बहुत टीवी शोज चल रहे हैं, तो वो उन सबके डबिंग निपटा के सब एक्टर्स की, देन ही गोज बैक। वैसे ना, इस शो में मेरा नाम जारा है और ये वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स रहेगा एज एन एक्टर, क्योंकि हम 100 एपिसोड्स शूट कर चुके हैं, अभी सिर्फ उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। और बेहोशी के आलम में सलीम सलीम पुकारती रहो, जैसे ही वो देखेंगे ना। पूरा सुनाना। ओ, ये कैसे डब करूं, इतना फास्ट है ये तो। इस शो में मैंने बहुत तेज तेज बोला हुआ है। हो गया हमारा आज का डब। आज हमने कुछ 10 एपिसोड्स शूट किए हैं, तो इन्होंने मुझे बहुत आइडियाज दिए कि मैं यूट्यूब पे पॉडकास्ट कर सकती हूँ, कहानियाँ बोल सकती हूँ, और पता नहीं बहुत सारे आइडियाज दिए। अब मैं वो सब करूँगी, आपको पता है ना, नहीं करूँगी। यही इतना ही शूट कर लिया करूँ, मतलब अपने रोजमर्रा की। बाय, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर को। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। तो अभी कृष्णा जी, टाटा, बाय बाय। बाय गाइस, इसी के साथ मैं आज के दिन का ब्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ। मेरे पास आज ये डब था दिखाने को,
तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। एंड अब नथिंग, मैं थोड़ा कोई मूवी वूवी देखूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी अपनी दुआ पढ़ के। एंड या यू हैव अ ग्रेट डे, या फिर आप रात को देख रहे हो तो गुड नाइट। एंड हम फिर मिलेंगे जल्दी, कुछ अगर अच्छा होगा शूट करने को तो मैं ज़रूर एक अच्छा सा व्लॉग शूट करूँगी। सो बाय।